नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आज 16 सितंबर है और विंडोज़ 11 का नया अपडेट आया है। उस अपडेट पे हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इसकी अपडेट के अंदर जिनका फोटोज़ वाला ऐप है फोटो व्यूवर, उसके अंदर मॉडर्न लुक आया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनका फ़ोटो वाला ऐप ओपन कर देता हूँ, फोटोज़। तो सबसे पहले आप इस ऐप के अंदर नोटिस करेंगे कि जो आइकन है वो थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी फ़ोटो देखते हैं तो ऊपर एक मेनू आती है, ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पहले ये मेनू आती थी लेकिन इतने फीचर इसके अंदर नहीं थे। अब इसके अंदर इन्होंने एक नया फीचर जोड़ दिया है लाइक का। इन्हें अगर इस फोटो पर लाइक कर देते हैं तो ऐसे ऐसे जिन जिन फोटो पर लाइक करेंगे वो सब लाइक के अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने ये एडिट इमेज का ऑप्शन डायरेक्ट जोड़ दिया है, आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन था लेकिन अंदर था, और ये ड्रॉ का ऑप्शन भी जोड़ दिया। अगर आप कुछ छिपाना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह तो डायरेक्ट इसे छिपा कर सेव कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन पहले भी था लेकिन अंदर थे। और इसे उन्होंने डिलीट का ऑप्शन भी सीधा ही बना दिया है, वन क्लिक पे डिलीट कर लीजिए। और एक इन्होंने फाइल इंफॉर्मेशन का बनाया है, ये पहले इस साइड आता था। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, बाकी जानकारी जान सकते हैं। तो पहले इस साइड आता था, लेफ्ट साइड, अब ये राइट साइड आता है। और इन्होंने एक ऑप्शन और इंक्लूडिंग किया है फुल स्क्रीन का, अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन वो फुल हो जाएगी। और इस मोर इंफॉर्मेशन के अंदर इन्होंने कुछ नए ऑप्शन ऐड किए, जैसे कि आप चाहे तो सेव एज तो पहले भी था, प्रिंट कॉपी टू क्लिप आर्ट, ये ऑप्शन नया इंक्लूड किया है। आप इसको क्लिप आर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, रीसाइज इसको आप डायरेक्ट फोटो को, ये पहले वो ऑप्शन थे। और इन्होंने एक एडिट भी ऑप्शन कर दिया, डायरेक्ट इस फोटो को आप भेजने चाहे तो सीधा भेज सकते हैं। पहले ये ऑप्शन था लेकिन सीधा नहीं था। और लास्ट में इन्होंने ऑप्शन और दिया है एडिट फोटो लाइक ए प्रो, यानी अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में आपको ले जाकर बता देगा कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं आप इच्छा हो तो। एंड ये तो हुआ दोस्तों फोटो के लिए। अगर आप वीडियो के लिए देखें दोनों में क्या अंतर हुआ है, इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपको बहुत सारी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। पहले एक ब्राउज़र आता है फ़ोटो देखने के लिए, एक आता था दोस्तों ऐप्स पिकासा, उसके तरह यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा सेलेक्ट का, सेलेक्ट करेंगे तो दो फोटो तुलना आ जाएगी, ये फोटो मतलब तुलना के लिए होगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप डिलीट करना चाहते यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। चलिए तो ये हुआ फ़ोटो के लिए, अब बात करते हैं वीडियो के लिए। यानी कि अगर आपके कोई जैसे ये वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो के अंदर इन्होंने क्या क्या अंतर किया। तो ये लाइक वाला ऑप्शन तो दे रखा है इसके अंदर, ये देखो लाइक कर सकते हैं यहाँ से। और लाइक के अलावा यहाँ दे रखा है ट्रिम का, यानी वीडियो को जितना पार्शन काटना चाहते हैं वो यहाँ से काट सकते हैं। तो पहले भी ऑप्शन था लेकिन सीधा नहीं था, अब सीधा ही कर दिया। ये अच्छा कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाला, सीधा सीधा ऑप्शन दे रहा है, फालतू पंगे हटा रहा है। और बाकी इसके अंदर वो कुछ हाइडन वाइडन करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। बाकी फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर वो कोई सब के सब ऑप्शन दे रखे हैं। और नीचे इन्होंने दोस्तों बाकी सब कुछ सेम है, एक नया ऑप्शन दिया है ये वाला चूज़ सबटाइटल फाइल। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और सबटाइटल लगाने हैं तो लगा सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये एक बहुत अच्छा कर गया। और ये रिपीट का दे दिया, अगर रिपीट ऑफ करना चाहते हैं रिपीट नहीं करना चाहते तो उस पर निर्भर है। और अगर आप तुलना करना चाहते हैं फाइलों की तो वो भी इसके अंदर दे रखा है, जैसे तुलना करेंगे ना इस प्रकार की, तुलना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनका नया फोटो ऐप जो विंडोज़ 11 के मुताबिक मोर एडिट मतलब बनाया गया है। अब जैसे कि विंडोज़ 10 के जो जो ऐप विंडोज़ 11 के अंदर आए हैं वो सबको मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, ऐसी खबर आई है। तो धीरे धीरे जितने ऐप है सबको दोस्तों बिल्कुल नया बना देंगे, जैसे इनके म्यूज़िक प्लेयर उनको नया बना देंगे, ऑलराम जितने देख रहे हैं आप सबको नया नया लुक देते जाएंगे। जैसे जैसे लुक मिलता जाएगा हम उस पर वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।